And this breaking news that Republic Now is putting out for you. Remember, this could possibly be another twist in the entire case. What is it that actually is the truth in the case? No one knows. But remember, we've spoken to the driver here in this entire case. The driver, remember, he's the same person who was also earlier detained by the police. And viewers, listen into this. He says he was pressurized by the cops. मतलब जब हम ये बस को खड़ी करने के बाद जब ड्राइवर के साथ बैठ गया हूँ तो उसके बाद हमें ऑफिस की तरफ से चीख पुकार सुनाई दी है तो हम उस तरफ हम भागे हमने सोचा कोई सांप वगैरह झाड़ियों में से निकल के आ गया है तो मैंने एक कंडक्टर से कहा कि डंडा लेकर सांप वगैरह निकल के आ गया है तो अंदर से ऑफिस से बाहर हमारे जैस थॉमस और अंजू मैम चिल्लाते हुए आते हैं कि जल्दी से गाड़ी लेकर आओ गाड़ी लेकर आओ मैं और जैस थॉमस मेरा नाम लेते हैं कि सौरभ जल्दी से गाड़ी लेकर आओ मैं पार्किंग की तरफ वापस दौड़ता हूँ ऑफिस के वहीं से ही और गाड़ी अपनी बस लेके आता हूँ मेरे को वहीं से साइड में लगाने के लिए कह दिया जाता है कि गाड़ी को साइड में लगा दो और जब तक मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ तो बच्चे को वैगनार में जो स्कूल की वैगनार है उसमें बच्चे को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं तो अशोक कहाँ पे था उस टाइम पे उस टाइम पे मुझे मतलब जिस टाइम यह हादसा हुआ उस टाइम अशोक ना तो मेरे साथ था ना ही मुझे पता था कि कहाँ है जब यहाँ बच्चे को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं तब हमने उसके बाद अशोक को देखते हैं अशोक किस हालत में देखा आपने अशोक सिर से पांव तक खून में नहाया हुआ था सिर से पांव तक खून में नहाया हुआ था अशोक से कुछ बात हुई क्या बोला वो अशोक ने यही कहा था कि अंदर मतलब टीचर हल्ला मचा रहे थे कि बच्चे को उठाओ तब वो अंदर से बच्चे को उठा के गाड़ी तक लेकर आया है तो अशोक अंदर था उस टाइम पे हाँ जी अब ये पता नहीं अंदर कैसे पहुंचा कैसे नहीं ये हमें भी नहीं पता लेकिन अंदर था हाँ जी लेके तो वो आया था उसका यही कहना है अच्छा तो अब अशोक का कहना ये भी है अशोक के घर वालों का कि उसको फंसाया जा रहा है कि उसको दबा के फंसाया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे सर इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि क्योंकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद हम सीएनजी पे चले गए और उसके बाद अशोक की हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है हाँ जी मेरी उस रात को मुझे एक डेढ़ बजे तक रोक के रहा था तो मुझसे यही पूछताछ हुई थी कि मतलब वो कितने महीनों से मेरे साथ था और मतलब वो किस गाँव का है और टूल किट में चाकू रखते हो या नहीं मतलब यही पूछताछ हुई थी बस क्या टूल किट में क्या चाकू का क्या पूछा था आपको मतलब ये पूछा था कि टूल किट में चाकू रहता है या नहीं था मैंने यही कहा कि टूल किट में चाकू का कोई काम नहीं है और अगर कोई तार वगैरह छीलना होता है तो हम प्लास या उसका प्लास या फिर कटर का काम करते हैं तो आप पे दबाव भी बनाया गया था ये टूल किट को लेके चाकू को लेके चाकू को लेकर यही कहा गया था कि मतलब बार बार यही पूछा है ये सोच समझ के बताओ कि चाकू गाड़ी में था या नहीं था मैंने हर बार यही कहा कि चाकू टूल किट में नहीं था वो गाड़ी मतलब गाड़ी की टूल किट में नहीं था तो उन्होंने ये कहा कि सही सही बताए पिट के बताएगा मैंने कहा कि मारो पीटो चाहे जान से मारो चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई नहीं यही कहूँगा कि टूल किट में चाकू नहीं था तो मतलब टूल किट में चाकू नहीं था फिर भी आप पे ज़बरदस्ती की जा रही थी कि आप बोल दे वो अब ये पता नहीं कैसे क्या था मुझसे यही कहा गया था किसी ने फोर्स किया किसी ने ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश की कि आप अपना जुर्म कबूल करो कुछ पैसे आपको ऑफर किए गए नहीं ऐसा कुछ नहीं था आपने तो कहा है कि कोई आया था आपके पास सिविल कपड़ों में आया था आपको ज़बरदस्ती कर रहा था कि आप कबूल करो अपना जुर्म क्या बोला था नहीं उन्होंने यही कहा था कि कंडक्टर ने तो अपना मतलब जुर्म कबूल कर लिया है तू देख ले तेरे को क्या करना है बस यही बात इसका मतलब क्या आप समझते तू देख ले तेरे को क्या करना है क्या मतलब हो सकता है इसका अब मतलब से तो काफ़ी कई बातें निकलती हैं पर इसमें कब क्या कहा जा सकता है क्या बातें निकल सकती है इसमें कई बातें निकलती हैं जैसे वो ये चाह रहे हों कि जैसे मैं अभी अपना गुनाह कबूल कर लूँ या मैं ये कह दूँ कि टूल किट में चाकू था या मैं कंडक्टर के साथ था कई बातें इसमें हो जाती हैं So isn't that account, viewers, only going to make this entire case murky? Because look at what this man actually, you know, goes on to say. And Shivani, I'll come to you now. Because if you just listen into this last, you know, fag end of what Saurabh, this person actually spoke to Khalid. He says ki bar bar police ye pooch rahi thi ki chaku toolkit mein kahan se aaya. And that is important. Because somewhere then again, how did this entire, instrument that was used to kill Pradyuman. How did it travel from outside the school to inside is going to be questioned. If this was not a part of the toolkit, was this man actually moving with that sharp knife? Absolutely. This is a major question at this point of time, Deepthi. Let's be honest, Deepthi, we do not know exactly what happened. There's a shroud of mystery as far as this murder case is concerned. The father himself is on record to say that he doesn't believe the police's version. Then this whole thing about the knife. Why was the driver being pressurized to say that this knife is available routinely as part of the toolbox? That must be only to downplay the fact that there was a lapse on the part of the school. Because otherwise, if this is not
normal as part of your toolkit. Something like this should not have been inside the bus with the conductor and definitely not been allowed inside the school when the conductor went inside into the students' bathroom. Certainly, the pressure being maintained, even from the police's side in this case, seems extremely odd. Why were they forcing him to say that the knife was part of the toolkit? And then there is a sequence of events, just a time, which is 10 to 15 minutes of period, Deepthi, in which Pradyuman's father actually drops him at the school, and then 10 minutes later he gets a call from them that he has collapsed and his body was actually taken out by the conductor himself, but his clothes had been cleaned, the washroom had been cleaned, and he had been taken away. This sequence of events doesn't add up, and this is why perhaps there is pressure on the school authorities who were there at the time, you know, who were witness to Pradyuman's body, you know, laced in blood, and also him falling. Those people must be interrogated more sternly to get the entire sequence of events. As you said, we are awaiting not just the anticipatory bail hearing of Ryan Pinto, who's the CEO of the group, but also today the custody of the accused Ashok could be extended as well. So the police believes it has, you know, sorted out the entire matter, but the father certainly doesn't believe so, and that is why he's asked for a parallel CBI inquiry.